हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो इसी के साथ करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 10 बज गए होंगे। तो अब मैं बना रही हूँ इनके लिए नाश्ता। बच्चों ने तो दूध पी लिया है और इनके पापा के लिए मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि आज वो सुबह में चावल फ्राई खाएंगे। और सब्जी रखी हुई है, सब्जी के साथ अपना खाएंगे वो। आज उन्होंने नाश्ता नहीं करा तो कह रहे नहीं मुझे चावल खाना है, तो मैंने कहा ठीक है चावल बना देती हूँ। तो जीरा चावल बना रही हूँ मैं। चलिए इसको छोड़ दो, टूट जाएगा। नहीं बेटा टूट जाएगा ना। अब पहले लेट हो गया इन लोगों के चक्कर में ना भाई, पहले ही लेट हो चुका है। और बोल बहुत देर की रखी थी और अब देखो 10-11 बजे होंगे और अब बना रही हूँ। अभी ये काम करो, कोई 12:10 हो रहे हैं। क्या कर रही हो आप, जाओ यहाँ से। तो गाइस, इसमें ना मैंने डब्बे खाली पड़े हुए थे और क्या नाम है, तो इसमें मैंने सारी दाल वगैरह रख दी है। तो जितनी तरह की दाल थी सब में अलग अलग दाल रखी है। और ये देखिए, ये ना सारे आइसक्रीम के डब्बे हैं, ये मैंने सारे ना इकट्ठे करके रख रखे थे। आवाज कम कर दिया, ये तेज टीवी थी। तो ये आइसक्रीम के डब्बे हैं सारे, मैंने ना सारे इकट्ठे करके रख रखे थे। तो आज बहुत सारे हो गए, मतलब 6-7 डब्बे हो गए। तो सब में कुछ ना कुछ भर रखा है और मैंने अभी इसमें और भरे या खाली रखे हुए थे वॉश करके। इसमें सब में दाल वगैरह जो है ये सारी भर रही है। अलग अलग डाले हैं, देख लो के ऊपर किस तरीके से जमाना है, किस तरीके से क्या करना है, थोड़ा आइडिया रख रही हूँ उसमें। ये बार बार कहा जा रहा है
गाइस गर्मी में इतना सारा काम कराया मैंने, ये सारे जो बर्तन है ये सारे धो दिए। ये देखिए ये डब्बे वगैरह सारे एक 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 उधर तक बर्तन, और ये भी ऊपर के बर्तन मैंने ही धोए हैं अभी। और ये रसोई ऊपर अच्छे से लगा दिए, ये देखिए सारे डब्बे लगा दिए, अच्छे से जमा दिए। देखिए कितना बढ़िया लग रही है ना रसोई, एकदम साफ कर दिए, अखबार वगैरह सारे लगा दिए, और ये बड़े बड़े डब्बे ये धो दिए, और थोड़े से रह गए हैं डब्बे धोने के लिए। तो वो एकदम इतना सारा काम तो नहीं, इतना सारा काम एकदम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करके अब लोड होना चाहिए, करना चाहिए, अब ज़्यादा वजन अपने सर पर नहीं डालना चाहिए, हल्के हल्के से अपना अपना करना चाहिए। और जो हितेश गया था राशन लेने के लिए, राशन लेके आ चुका है। आप भी सोच रहे होंगे गाइस तो ये क्या कॉपी किताब लेके बैठ गई है पढ़ने के लिए, तो ये मैं पढ़ने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो रसोई राशन का जितना भी सामान है घर का, मैं क्या चलो लिस्ट बना लेती हूँ, पहले लिस्ट बनाऊंगी और उसके बाद मैं लोग लेने जाएंगे। तो अब वहाँ जाके ना मैं भूल जाती हूँ, कभी कुछ सामान कभी कुछ सामान रह ही जाता है, तो इससे अच्छा है कि अपना घर से ही लिस्ट बना के ले जाओ, वो अच्छा रहता है। मैं अब लिस्ट बना लेती हूँ जल्दी से, जितना सामान था मैंने सारा ना डब्बों में डाल दिया है, तो उससे अभी मुझे ये पता लग गया है कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से अब अपनी लिस्ट बना ही लेती हूँ जल्दी से। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड यहीं पर, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा न्यू वीडियो आप तक यूँ ही पहुँचता रहे, और शेयर कमेंट भी आप ज़रूर करना। तो बाय बाय गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।